डॉक्टर आरपी सिंह विपिनदेव जी, उन्होंने चौधरी शमशेर जी को बताया कि ये रोहतक का पहला पन्ना सम्मेलन है। ये रोहतक का पन्ना सम्मेलन आपको एक दिशा दिखा रहा है और ये दिशा में आज मैं कह सकता हूँ कि मैं सबसे कामयाब पन्ना सम्मेलन है। सबसे मेरे नौ प्राण के रोहतक पन्ना सम्मेलन से भी चार गुना पन्ना सम्मेलन बढ़िया। बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, जय हो, जय हो, बरसाना वाले की, बरसाना वाले की, भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण की, राधा रानी की, राधा रानी की। बहनों और भाइयों, मैंने चार गुना क्यों का इसका भाव समझ लें। एक एक बहन, एक एक बहन घर की जो है 10 वोट लेकर साथ आई है, 10 वोट। पुरुष आदमी 1 वोट लाता है, मेरी बहन 10 वोट लाती है, इसलिए मैंने 4 गुना का। राधा 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 राधा, अरे पीछे वाले भी बोलो राधा राधा राधा। बहनों और भाइयों, मेरा राजनीतिक सफर 50 साल से चला हुआ है। जनसंघ की यात्रा से निकला हुआ मैं एक कार्यकर्ता हूं। आज मैं हरियाणा प्रदेश देश के अंदर मैंने इतने कार्यक्रम देखे और रोहतक जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर, देश भर में मैंने देखे इतनी बहने मैंने आज तक कभी भी इसे मैम जब इसी की छवि मेरी मातृशक्ति बहनों, मैं आप कहना चाहता हूँ, ये जो आपकी फोटो है ये सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। ये देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के पास जाएगी। ये देश हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास जाएगी। ये हरियाणा के आदरणीय हमारे प्रभारी विपुल देव जी के पास जाएगी। मित्रों, आज ये गर्व से कह सकता हूँ कि देश की आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद आपने लंबा समय कांग्रेस को देखा है। आज मैं कह सकता हूँ, पत्रकार मीडिया का छायाकार बंधु बैठे, कांग्रेस आज भी जातियों से उठ नहीं पा रही। आज भी कांग्रेस वही जातियों में खड़ी है। धर्म संप्रदायों के हिसाब से देश को चलाने की बात करती है कांग्रेस। आज भी हमारे रोहतक जिले के अंदर जातियों के हिसाब से सम्मेलन किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसी मित्रों से, आज देश जाति पार्टी से उठ चुका है, धर्म संप्रदाय से उठ चुका है। 140 करोड़ देश के प्रधानमंत्री जी आज सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आज सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस से आजादी के बाद जिस तरह समाज को तोड़ा, आपस में भाइयों भाइयों को लड़ाया, आपस में धर्म धर्म से लड़ाया, संप्रदाय से लड़ाया, आज कांग्रेस उसी तर्क पर जा रही है।
आज मैं पूछना चाहता हूँ ये चबूसी में बैठे मेरी 1 लाख वोट या चबूसी पे है, मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी अच्छा है या राहुल गांधी अच्छा है? नरेंद्र मोदी अच्छा है या राहुल गांधी अच्छा है? नरेंद्र मोदी अच्छा है या राहुल गांधी अच्छा है? मोदी 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 मोदी। हमारे बीच में आदरणीय सांसद महोदय आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर मित्रों, मेरे भाइयों, आज कांग्रेस उसी धरे पे निकल नहीं पा रही, इस धरे से उनको निकालना होगा। इस धरे के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने निकाल दी है, इसलिए हम आज देश की विकास गति आगे बढ़ रही है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, भारत का पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ताकत के रूप में वो बढ़ रहा है। मैं बहनों भाइयों आपके कहना चाहता हूँ, अभी तक आपने सरकारें देखी, जो सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो किसको नौकरी देते थे? चाचा के बेटे के, साला के बेटे को, मामा के बेटे को, देवर के बेटे को रिश्तेदारी में बांटते थे। ये बताओ आपको नौकरियां मनोहर लाल जी दे रहे हैं, आपको सबको हक मिल रहा है, अगर ये बताओ चाचा भतीजा मामा वाला या अपने परिवार को बढ़ाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए या जनता का मुख्यमंत्री चाहिए? जनता का मुख्यमंत्री चाहिए या अपने परिवार को बढ़ाने वाला चाहिए? इसलिए ये कांग्रेस आज लूट सूट की राजनीति नहीं कर रही। अपने बीच में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आए हैं। अरविंद शर्मा जी, मैं कहना चाहता हूँ आपने 2019 में यहाँ से एमपी बनाया, मैं आज कह सकता हूँ वो एक जाति से नहीं बने, खाली ब्राह्मण समाज से नहीं मिले, उनको 36 बिरादरी का वोट मिला है। कांग्रेस एक जाति की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, कुर्सी में बैठने पर भाषा और हो जाती है, समाज को तोड़ने की बात करती है। इसलिए मेरे भाइयों, देश के प्रधानमंत्री ने 33% महिलाओं ने आपको हक दिया, इससे पहले किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी। आज मैं कह सकता हूँ इस वक्त के अंदर आज इसमें मरता लगातार हमारा यहाँ पर ज्योति शमशेर ठकरा जी आपके दुख सुख के साथी रहते हैं, और ये दुख सुख के साथी रहने के बाद आज मैं कह सकता हूँ हमारी बहन राधा जी आगे आओ, आज हमारी बहन राधा जी आपके साथ प्यार और सुने देकर आपको भगवान राम के साथ अयोध्या के साथ जोड़ दिया। आज राधा जी ने मथुरा की बस्ती बरसाना के साथ जोड़ दिया है, आज शंकर भवन के साथ जोड़ दिया है, आज हमारे तीर्थ स्थान चमक रहे हैं। इसलिए बहन और भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये चौबीसी का ये जो जोश है ये कम ना हो जाए, और जो लोग आपको लूटने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कुछ लोग आते हैं, उनसे सावधान रहो। आपको बता दो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक आपकी सेवा करेगा। आज मैं कह सकता हूँ हरियाणा के अंदर, हरियाणा से जब से मोदी जी की सरकार आई है, एमएसपी में हरियाणा में पूरे देश में फसलों का सबसे मिलती है, किसानों के लिए आज मंडी गन्नौर सबसे बड़ी मंडी आज बनने जा रही है। किसानों का मोदी सरकार ने ही बुढ़ापा आज पेंशन उनका भी योगदान किया है। इसलिए मेरी निवेदन आप लोगों से आने वाले समय के अंदर जो हमारे 42 गांव, 40 पंचायत, 15 नगर पालिका है, ये मेरी जो बहने आई है, ये मेरी मातृशक्ति आई है, मैं इनके चरणों में नतमस्तक करता हूँ। मोदी 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 के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।